हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 250 ग्राम मैदा, 1 चम्मच के करीब हमको चाहिए अजवाइन, नमक स्वादानुसार और रिफाइंड ऑयल चाहिए। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमें चाहिए पानी। सबसे पहले हम आटा बनाएंगे। आटा बनाने के लिए हम मैदा लेंगे बर्तन में, इसमें हम नमक ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे, हाथों से क्रश कर लेंगे थोड़ा अजवाइन को और इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, करीब 4 चम्मच हमें इसमें ऑयल डालना है। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जब हम हाथ में इसको लें तो ये हल्का सा थोड़ा सा बनने लगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये बनने लगे, ये ऐसे बनने लगे थोड़ा। अभी हमारे हाथों में बन रहा है तो ये एकदम तैयार है। अब हम इसका आटा गूंथ लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे हम और इसका हम आटा बना लेंगे। ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा पतला आटा नहीं गूंथना है, बहुत ज़्यादा मोटा आटा नहीं बनाना है, हमें बहुत ही सॉफ्ट ठीक ठीक आटा बनाना है। देखिए हमारा आटा एकदम तैयार है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है और ये बनकर एकदम तैयार है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। इसके लिए हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस कॉटन के कपड़े से हम इसको ढककर एक ठंडी जगह रख देंगे। अब हम अपने आलू तैयार करेंगे। इसके लिए हमने करीब 6 आलूओं को उबाल करके मैश कर लिया है। हम आलू फ्राई करेंगे। सबसे पहले तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा जीरा ऐड करेंगे, थोड़े राई के दाने ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, थोड़ी लौंग ऐड करेंगे, 2 खड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 3-4 काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। अब हम इसको एक बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ पाउडर। हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट पाउडर, क्योंकि हमने अदरक नहीं डाला है तो हम सॉल्ट पाउडर ऐड करेंगे।
थोड़ा नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। गरम मसाला डालेंगे थोड़ा और इसमें थोड़ी खटाई ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद अब हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे मसाले सारे मिक्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें आलूओं को इतना पकाना है कि इनका सारा मॉइस्चर सूख जाए। मॉइस्चर सूखने से हमारे समोसे फटेंगे नहीं, इसलिए हमें इनका पूरा मॉइस्चर सुखा लेना है। ये देखिए, आलू हमारे एकदम तैयार हैं, इनका मॉइस्चर भी सूख चुका है। अब हम इनको प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी समोसे की पूड़ी बनाएंगे। ये हम आटा ले लिया, जिसको हमने करीब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे। अब हम इस आटे से पूड़ियाँ बनाने के लिए छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे। अब हम अपनी पूड़ी बेलेंगे। पूड़ी हमें बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, ठीक ठीक रखनी है। हम ओवल शेप देंगे इस पूड़ी को। ये देखिए, हमारी पूड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको बीच से काटेंगे। ये देखिए, पूड़ी हमारी ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, कुछ इस तरीके से। इतनी पतली हमें पूड़ी बेलनी है। अब हम इसका कोन का शेप देंगे, इस तरीके से एक कोन का शेप दे देंगे। और अब हम इसमें अपने आलू भरेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आलू में से हमने जितने भी खड़े मसाले थे उनको बाहर निकाल लिया है, उन्हें हम समोसों में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उन्हें डाल देंगे तो हमारे समोसे फटने का डर है। इसलिए हमने सारे खड़े मसाले अपने आलूओं में से निकाल लिए थे। अब हम आलू भरेंगे। इसको ऐसे अंदर तक दबा देंगे हाथों की मदद से। अब हम इसकी एक छोटी सी पीछे की ओर प्लेटिंग बनाएंगे, इतनी छोटी प्लेट देंगे इसको, और उसके बाद हम अपना समोसा सील कर देंगे। इस तरीके से इसको सील कर देंगे और ये हमारा समोसा बनकर एकदम तैयार है। इसकी बहुत अच्छी शेप आई है। बाकी जो हमारी पूरियां हैं आटे से, हम इसी तरीके से समोसे बना लेंगे। एक एक करके सारे हम समोसे ऐसे बना लेंगे। अब इन समोसों को हम करीब 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब बारी है समोसे तलने की। इसके लिए हम कढ़ाई में घी गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम हमें रखना है, और एक एक करके अपने समोसे ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमें समोसे मीडियम फ्लेम पे ही
तलने होंगे, तभी ये खस्ता बनेंगे। और इन्हें तब तक नहीं पलटना है जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाए। अब ये देखिए अपने आप ऊपर आ गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। अब ये हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन समोसों को हरी चटनी के साथ एक प्लेट में सर्व कर देंगे। ये समोसे अब बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।